children. This time we are reading lesson number 8, Early Humans, Social Studies, page number 238. Okay, look at the caves painting given below. Now imagine yourself as a child living during the time of early humans and make a cave painting. Cave painting dekhiye gufa ki. अर्ली उमर्स लिव इन ए जंगल. अर्ली उमर्स एक जंगल में रहता था. दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. वह एक जगह से दूसरी जगह तक खाने की तलाश में घूमता रहता था और रहने की जगह के लिए. दे वर फूड गैदर्स, तो उनको फूड गैदर्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी खाना इकट्ठा करने वाले. दे वुड प्लक फ्रूट्स अपरूट रूट्स एंड ईट देम. उसने तोड़े फूल, तोड़े जड़ें, तोड़ी और उन्हें खाया. सम टाइम दे आल्सो किल्ड एनिमल्स विद स्टोन एंड एट देयर फेस विदाउट कुकिंग. कभी उसने एनिमल्स को मारा पत्थरों से और उसका मांस बिना पकाए हुए खाया. हाउ दे लिव्ड इन ए केव्स और ऑन ए ट्री. उनका घर क्या था? केव्स गुफा था या पेड़ पे रहते थे? दे डिड नॉट हैव ए परमानेंट हाउस. उनके पास में परमानेंट हाउस नहीं था. एज दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते थे. उसमें इट वॉज मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद में उन्होंने बिल्डिंग बनाना शुरू किया. हट्स ऑफ मड स्ट्रा एंड लीव्स, हट्स झोपड़ियाँ. किसकी मड? मड होता ना मड, मानी गार होता ना जिसे बोलते हैं, स्ट्रा की, घास फूस की, लिव्स की, पत्तियों की, गोबर, गोबर की झोपड़ियाँ उन्होंने बनाना शुरू किया. टूल्स, टूल्स वाली औजार, उन्होंने क्या क्या औजार काम में लिए थे. अर्ली वुमेन रियलाइज्ड दैट दे नीडेड शार्प टूल्स फॉर डिगिंग एंड हंटिंग. अर्ली वुमेन्स को लगा कि उन्हें शार्प टूल्स चाहिए. किसके लिए? खोदने के लिए और हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए. इसलिए उन्होंने शार्प स्टोन्स को सर्च खोजना शुरू किया. दे शार्प्ड देम बाई स्ट्रिकिंग टू स्टोन्स, उन्होंने दो पत्थरों को अलग अजीब सा शेप दिया. देन इट बिकम ईजियर टू डिग आउट, तो इससे क्या हुआ? पेड़ों की रूट निकालने में उनको ईजी हुई, एनिमल्स को मारने में उनको ईजी हुई. दे आल्सो यूज्ड वुडन स्टिक एंड बोन्स टू मेक टूल्स, उन्होंने लकड़ियों की छड़ियों का और हड्डियों से टूल्स बनाए, औजार बनाए. दे लर्न टू टाई शार्प स्टोन्स टू वुडन स्टिक टू हिट वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम ए डिस्टेंस, उन्होंने सीखा तेज पत्थर को वुड स्टिक से बांध के जानवर को मारना दूरी से. दे हेल्प देम प्रोटेक्ट देम सेल्फ, और उसकी हेल्प से वो क्या करते थे? अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे. जब उन्हें इंजर्ड हो जाता, इंजर्ड मानी घायल हो जाते थे, तो वो उनकी हेल्प से वो जंगली जानवरों से बच सकते थे. किसकी हेल्प से? लकड़ी पर पत्थर बांधे हुए थे, ये से औजार वो काम में लेते थे. अगला पढ़िए क्लोथ्स. अर्ली वुमन्स रोम्ड फ्रॉम अराउंड विदाउट क्लोथ्स, अर्ली वुमन्स बिना कपड़ों की घूमते थे. दे प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, वे अपने आप को हीट और कोल्ड से प्रोटेक्ट करते थे, बचाते थे. बाय कवरिंग देयर बॉडी विद द स्किन ऑफ एनिमल्स, अपनी बॉडी को जानवरों की स्किन से ढककर. दे आल्सो यूज्ड लीव्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज एज क्लोथ्स, वे पत्तियों को और पेड़ों की छाल को कपड़ों के रूप में काम में लेते थे. चलिए अब अगला नेक्स्ट पैराग्राफ में, अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी.